प्रदेश सरकार की योजनाओं को सरपंच चूना लगा रहे हैं। कई योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही हैं। ऐसा ही मामला उज्जैन जिले के तराना तहसील के ग्राम पंचायत बेलरी का सामने आया है, जहां गांव के ही गुलाब सिंह धाकड़ द्वारा सूचना के अधिकार में जानकारी मांगी गई, जिसमें सरकारी योजनाओं के नाम पर लाखों रुपयों की बंदरबांट का मामला सामने आया है। गुलाब सिंह द्वारा बताया गया कि गांव में एक ही सड़क को दो अलग अलग नामों से दर्शाकर राशि दो बार निकाली गई, जबकि मौके पर एक ही सड़क बनी हुई है। गांव में जगदीश पिता शिवनारायण नाम का कोई व्यक्ति निवास नहीं करता है, लेकिन इस नाम से मनरेगा के तहत शौचालय निर्माण बताया गया और राशि निकाली गई, और उन लोगों को भी शौचालय उपयोगिता प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं जिनके घर पर शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है, और ये लोग अब शौचालय निर्माण के लिए चक्कर लगा रहे हैं। अब ये लोग न घर के न घाट के, पेड़ पौधों की हरियाली केवल कागजों में दिखती है, मौके पर कोई पेड़ नहीं लगाया गया है और राशि हजम हो गई है। जनपद पंचायत सीईओ पवार से ग्रामीणों द्वारा कई बार शिकायत की गई, पर उन्होंने मामला देखने की भी जरूरत नहीं समझी। ग्रामीणों द्वारा जिला पंचायत सीईओ उज्जैन को मामले से अवगत कराया गया, तब जाकर जिला पंचायत सीईओ उज्जैन ने कहा कि इसकी जाँच करवाकर सख्त कार्यवाही की जाएगी, लेकिन जब जांच के लिए अधिकारी आए तो वो ग्राम पंचायत में बैठकर ही पंचनामा बनाने लगे, तो ग्रामीणों ने इसका विरोध करा कि जब आप जांच करने आए तो मौके पर जाकर देखें कहां बनाई सरपंच ने दो अलग अलग सड़कें। तो वे बोले कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, जब इनके पास जांच का समय नहीं तो इनकी ड्यूटी क्या है। सोचने वाली बात तो यही है, एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन इधर मामला पूरा उल्टा है, खाओ और खाने दो। ऐसे में मोदी जी के सपने अधूरे दिखाई दे रहे हैं। ये आपने सीओ कलेक्टर को ज्ञापन दिया, क्या है पूरा मामला? ये पूरा मामला भ्रष्टाचार का है गांव पंचायत बेलरी में, और एक ही कार्य को सीसी रोड को नाली निर्माण को दो बार बताया गया, जबकि वहां पर एक ही बार एक ही रोड को दो बार बताया गया। इसके बाद में नरेगा के अंतर्गत जो भी यानी मतलब शौचालय बनाए गए उसमें एक जगदीश पिता शिवनारायण के नाम का कोई शौचालय है ही नहीं, और उसकी राशि उन्होंने 12,500 रुपये निकाल ली। इसके बाद में बात यह है कि पेड़ पौधे के नाम पर आज 4 साल हो गए, एक भी पौधा उनके नाम बना नहीं, और उसके नाम की भी राशि निकाल गई। इस प्रकार से जितने भी कार्य हुए हैं उसमें काफ़ी भ्रष्टाचार हुआ है। इसमें यदि मान लो कलेक्टर साहब और सीओ साहब जिला पंचायत आकर यदि देखें तो पता लगेगा कि यहाँ पर कितना भ्रष्टाचार हुआ। के नाम से शौचालय का जो प्रमाण पत्र जारी करा, शौचालय है आपके घर में? नहीं है सर। और प्रमाण पत्र दे दिया आपको? प्रमाण पत्र दे दिया सर, वो भी प्रमाण पत्र मेरे दरवाजे के अंदर फटक के गया सर। कोई आपको उसकी जानकारी नहीं? आपको हाथ में नहीं दिया? बिल्कुल भी नहीं दिया सर। शाम को जब मजदूरी करके घर आया तो दरवाजे के अंदर पड़ा, जब वो अंदर पड़ा दिखा तो मैं बा के पास लेके गया कि बाबू जी देखो ये प्रमाण पत्र काय का है, मैं इतना पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ सर, और इनको बताया, फिर इनने मेरे को सब डिटेल बताई। और ये नालियाँ सड़कों पर नहीं बनाई गई? नहीं बनाई गई सर, कुछ भी नहीं बनाई। और जिस सड़क का जिक्र कर रहे हैं, क्या वाकई वो एक ही सड़क को दो बार राशि निकाली उसकी? जी सर, जी सर, दो बार राशि निकाली एक ही सड़क की। ये इशू जो आया है कि कोई पर्टिकुलर जगह में रास्ते में नाली नहीं है, और एक जो रास्ते का भी इशू जो जिक्र हुआ है, इसमें हमने ERS को जांच के लिए भेजेंगे, और उसमें जो निकल आएगा तो उसके आधार पे हम धारा 92 में और जो रिकवरी की कार्रवाई है अगर वो सही पाया जाए तो उसमें कार्रवाई करें। सरकारी योजनाओं का लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा, जो व्यक्ति वहाँ का मूल निवासी नहीं है उसके नाम से भी शौचालय की राशि निकल गई, और जो लोग वहाँ के निवासी उनको केवल प्रमाण पत्र मिले, राशियाँ उनको मिली नहीं है। ये तीनों इश्यूज आपने जो रखा है उसके ऊपर हम जाँच करेंगे, और जाँच में जो इश्यू निकल आएंगे उसके आधार पर हम कार्रवाई।